हेलो एंड वेलकम टू द मेक बिलीव पॉडकास्ट. ये है कशिश, ये है आरती, ये है आकाश. एनीवे, हमारा आज का एपिसोड है म्यूजिकल मिसहैप्स. एग्जैक्टली. तो सबसे पहले तो बस हम समझ गए आपको गिटार बजाना आता है, रखिए अब इसको. सबसे पहले तो म्यूजिकल थिएटर होता क्या है. देखो, म्यूजिकल थिएटर का मतलब है कि एक नाटक है जिसमें कुछ गाने हैं जो स्पेशली इस नाटक के लिए लिखे गए हैं और इसी नाटक के लिए कंपोज किए गए हैं. और ये गाने यूजुअली कैरेक्टर की फीलिंग्स को दिखाते हैं या फिर किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं या सीन को सेट करने में हेल्प करते हैं. और ये मूवीज के गाने से काफी ज्यादा हटके होते हैं. जिस तरह कुछ मूवीज में कोई भी गाना बेवजह आ जाता है, लेकिन नाटक में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि नाटक में हर गाने के पीछे एक ठोस वजह होती है. और ज्यादातर जो गाने होते हैं म्यूजिकल थिएटर के, वो लाइव गाए जाते हैं. कुछ ग्रुप्स होते हैं जो कि रिकॉर्ड करके गाते हैं, लेकिन यहाँ खिलौना में हम लोग सारे गाने लाइव गाते हैं. और ऑपेरा के कंपैरिजन में इसमें क्योंकि एक्टर्स गा रहे होते हैं और ऑपेरा में सिंगर्स गा रहे होते हैं, तो इसमें एक्टिंग पर और शब्दों पर बहुत जोर होता है. और एक्टर्स मतलब खूबसूरत मेलोडी लाइन की जगह उनकी कोशिश होती है कि ऐसे गाएं कि जैसे कोई बात कर रहे हो, कोई डायलॉग बोल रहे हो. खिलौना ने पिछले 35 सालों में करीब 50 नाटक बनाए हैं और वो सारे म्यूजिकल रहे हैं. तो अगर आप पूछे ऐसा क्यों, तो इसका जवाब ये है कि हमारे फाउंडर डायरेक्टर विकेश शर्मा जी ने एक और कसम खाई थी कि वो जो भी नाटक करेंगे वो हमेशा म्यूजिकल ही करेंगे. और अगर आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने कितनी कसमें खाई थी, तो वो है टोटल 10. दो तो हम आपको बता चुके हैं, बाकी की कसमों के बारे में किसी और दिन चर्चा करेंगे. तो हम लोग म्यूजिकल थिएटर क्यों करते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको एक कहावत सुनाना चाहूंगी जो लियो टॉल्स्टॉय की है. उन्होंने कहा है कि म्यूजिक इज द शॉर्ट हैंड ऑफ इमोशन. और मैं बहुत ज्यादा सहमत हूँ इस बात से. अगर नाटक में कोई सिचुएशन है या कोई बात है जो बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्ले के लिए, तो उसको कन्वे करने के लिए म्यूजिक से बढ़िया तरीका नहीं है. जैसे एक एग्जांपल है, हम लोग एक प्ले करते हैं बच्चों के साथ, उसका नाम है उफ ये बच्चे. ये एक शहर के बारे में है जिसमें सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत तंग हो जाते हैं और उनको छोड़ के चले जाते हैं. लक्की के हाँ, पर उनको पहले वो ऐश करते हैं, बाद में उनको बुरा लगता है. तो वो सब लोग एक साथ बैठ के अपने मम्मी पापा को एक चिट्ठी लिखते हैं. यहाँ पर एक गाना आता है जो कि लिखा वीके सर ने है और कंपोज चितरंजन त्रिपाठी जी ने किया है. तो ये गाना जब भी आता है, इसके जितने शोज हुए हैं, जितने पेरेंट्स ऑडियंस में बैठे होते हैं, वो सब रो रहे होते हैं और सब अपने आंसू छुपा रहे होते हैं कि नहीं नहीं हम तो नहीं हुए इमोशनल, बट सब रो रहे होते हैं. नाउ दिस सीन वुड नॉट बी सच ए टियर जर्कर अगर ये कोई सीन होता ड्रामेटिक सा जिसमें बच्चे मोनोलॉग दे रहे हैं या पढ़ के बता रहे हैं कि हमने क्या लिखा है. ऑब्वियसली द म्यूजिक एड्स सो मच टू द कंटेंट एंड द इमोशन ऑफ द प्ले कि द इफेक्ट इज ट्रिमेंडस. और ऐसा ही एक और गाना है जो मेरे को बहुत पसंद है, इज सच नहीं तो सपना है फ्रॉम बीपीएन के, जो मैंने 12th में किया था. ये कशिश ने कंपोज किया और बहुत खूबसूरती से कंपोज किया. तो दिस इज अ मदर हु इज टॉकिंग टू हर न्यू बॉर्न चाइल्ड और वहां पर गाना आता है. और अगेन ये सीन भी काफी हिट हुआ हर शो में, एवरीबडी लाइक्ड इट वेरी मच. बच्चों को भी बहुत पसंद है और पेरेंट्स को भी बहुत पसंद है. नाउ इन दैट सीन आई कुड हैव गिवन द परफॉर्मेंस ऑफ माय लाइफ, आई कुड हैव गिवन एन ऑस्कर वर्थी परफॉर्मेंस देयर. पर अगर वो गाना नहीं होता और वो खाली सीन होता तो वो इफेक्ट ना होता. द म्यूजिक जस्ट एम्बेलिशेस व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू से. यू डोंट हैव टू से इट, बट द ऑडियंस फील्स इट. That is how powerful it is. और आकाश, आपने तो बहुत सारे non musical plays भी किए हैं. What do you think? तो एक तो मैंने पहले सुना ही नहीं था कि कैसा होता है इसका music. तो मैं वीके सर को assist कर रहा था एक play में, same play, उफ ये बच्चे. हम लोग JP स्कूल के साथ कर रहे थे. तो जब मैं गाड़ी में उनके साथ जाता था स्कूल तक, तो उन्होंने बताया था ये ऐसे ऐसे गाने हैं, ये हम लोग करेंगे. तो मुझे लगा कि यही जैसे मुझे स्कूल में सिखाते थे टीचर्स, हारमोनियम पे बैठा के सारे बच्चे बैठे हुए हैं, यू यू कर रहे हैं, हम एक साथ गा रहे हैं, वही होगा. तो जब प्ले शुरू हो गया था, उसके 2 हफ्ते बाद पहली बार जब म्यूजिक रिहर्सल के लिए बच्चों को स्टेज पर बुलाया, तो उन्होंने गाना शुरू किया. तो वो गाना था मिल गई छुट्टी,
जो पेरेंट्स है उनको छुट्टी मिल जाती है बच्चों को, तो उसकी लिरिक्स ये होती है, मिल गई छुट्टी, मिल गई छुट्टी, ओए होए, मिल गई छुट्टी, मिल गई छुट्टी, मिल गई छुट्टी हिटलर जैसे हुकुम चलाने वालों से, मिल गई छुट्टी हिटलर जैसे हुकुम चलाने वालों से। एंड लिटरली उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि ये तो मेरे बचपन का गाना है जो मुझे अपने पेरेंट्स के लिए गाना चाहिए था, अगर वो लोग कहीं ऐसे भाग गए होते तो। वो एक मोमेंट था जब मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी वो देख करके। कुछ बच्चे थे जो कोरस में थे वो लोग गा रहे थे और कुछ बच्चे स्टेज पे डांस कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हमने प्ले किया था हार्ड टाइम्स, जिसमें पहली बार मैंने एज एन एक्टर स्टेज पे जाके गाया, तो जब वो प्ले हुआ उसके बाद जो ऑडियंस आई थी उनकी फटी की फटी रह गई थी आंखें आंखें। तो जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने भी कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था, तो बहुत अलग लगा उनको ये चीज देखे। और उस दिन रियलाइज हुआ कि हाँ भाई, ये जो म्यूजिकल थिएटर है वो नॉन म्यूजिकल थिएटर से कितना अलग है। और इसका एक और फायदा होता है कि जब अगर प्ले बोरिंग हो रहा है, कोई सो जाता है प्ले के बीच में, जैसे गाना आ जाता है तो एकदम से सबकी आंखें खुल जाती है कि हाँ भाई गाना तो देखना ही है। और एक चीज और हुई थी कि हार्ड टाइम्स के बाद हमने और बहुत सारे प्लेस किए जिसमें कम से कम 6-7 गाने आए जा रहे, और हमने एक प्ले किया था आईना। अब उसमें क्या हुआ था कि जब हमारा पहला शो हो रहा था उस टाइम सिर्फ एक ही गाना कंपोज हो पाया था, तो शो बहुत अच्छा हुआ था, हमें ऑडियंस का फीडबैक भी अच्छा मिला। लेकिन जब हमने आपस में फीडबैक सेशन लिया तो तब पता चला कि कुछ मिसिंग है। फिर समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या मिसिंग लग रहा है प्ले में, सब कुछ सही थे, डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा था। तो तब बाद में जब डिस्कशन हुआ तो पता चला कि यार प्ले में म्यूजिक ही तो नहीं है। पहले जितने भी हमने प्ले किए उसमें कम से कम 6-7 म्यूजिक तो होते ही थे, पर अब सीधा एक हो गया है। तो तब लगा कि एक जो स्पार्क है थिएटर का या जो रौनक है प्ले की, जो खिलौना के प्लेस की होती है, वो मिसिंग है। और कशिश तुम बताओ। ये क्या बताएगा, इसको म्यूजिक के अलावा कुछ आता नहीं है, इसके पास ऑप्शन क्या है। तो आई अग्री जो आरती ने और आकाश ने कहा है, गाना किसी बात को एम्फसाइज करने के लिए बहुत यूजफुल टूल है, और प्ले में एनर्जी बढ़ाने के काम आता है नाटक में। और कंपोजर होते हुए मुझे ये म्यूजिकल्स के लिए गाने बनाने में बहुत मज़ा आता है। हार्ड टाइम्स में मैंने जब पहली बार एक्टर्स को अपना बनाया हुआ गाना गाते हुए सुना तो मतलब ऐसे लगा मतलब सपना देख रहा हूँ। और नाटक में जब भी मैं कोई सिचुएशन इमेजिन करता हूँ, फिर उसके लिए कैरेक्टर्स इमेजिन करता हूँ, एक्टर्स को इमेजिन करता हूँ कि वो कैसे उन कैरेक्टर्स को प्ले करेंगे, और फाइनली जब गाना बनता है, कंपोज होता है एंड आप सिखाते हैं, एंड फाइनली जाकर के जब वो पूरा विजन रियलाइज हो जाता है तो उसकी ऐसी कोई फीलिंग है नहीं कहीं। एंड आपके गाने विजुअल्स के साथ और एक्टिंग के साथ प्रेजेंट हो रहे हैं बहुत ही, और आप थिएटर की काफ़ी डिफिकल्ट सेटिंग्स में आप फिर भी आप एक्टर्स को अच्छे से सिखा पाते हैं गाना, उससे मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि डिफिकल्ट सेटिंग्स होती है थिएटर में, कि एज एन एक्टर आई फील कि एक्टिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मल्टीटास्किंग। यू कांट बी एन एक्टर इफ यू कांट मल्टीटास्क। आपको ऑफ कोर्स अपने डायलॉग याद होने चाहिए, प्लस आप अपना कैरेक्टर और अपने इमोशंस में जाने की कोशिश करते हो। एट द सेम टाइम आप यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग, लाइक बैटमैन, यू हैव टू नो वेयर योर प्रॉप्स आर, वेयर योर ब्लॉकिंग इज, एंड यू शुड नॉट बी ब्लॉकिंग अदर एक्टर्स। और आपको ऑडियंस पर भी नजर रहनी चाहिए कि सब आपको देख पा रहे हैं या नहीं। तो बहुत सारा मल्टीटास्किंग चाहिए होता है। अब प्लस आप में इसमें आपको गाना भी है, और उस गाने में फीलिंग्स सही होनी चाहिए, आपकी आवाज का प्रोजेक्शन अच्छा होना चाहिए, और अगेन जो बाकी 50 चीजें हैं, लाइटिंग और ब्लॉकिंग और प्रॉप्स की, वो सब भी होनी चाहिए। प्लस अगर कोरियोग्राफी है तो वो भी याद रखना चाहिए। एक अगर मल्टीटास्किंग इज अ स्पोर्ट, देन म्यूजिकल थिएटर बिकम्स द ओलंपिक्स ऑफ मल्टीटास्किंग। एक चैलेंज हमारा ये भी रहता है पैसे का। अब नाटक करना वैसे ही महंगा है मीडियम, और इंडिया में वैसे ही थिएटर आर्टिस्ट के पास पैसे होते नहीं है, मिलते नहीं ज्यादा। तो अब साथ में म्यूजिकल करने बैठा हो तो म्यूजिकल में पैसे और लगते हैं। आपको कंपोजर के लिए पैसे चाहिए, आपको म्यूजिशियंस के लिए पैसे चाहिए, एंड आपको एक्टर्स ऐसे चाहिए जो आइडियली जो अच्छा गा सके। ऐसे एक्टर्स आर ऑलमोस्ट एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज, और मिलते भी हैं तो दे ऑब्वियसली चार्ज मोर मनी। एंड फिर म्यूजिशियंस को गैदर करना वो अलग चैलेंज है। म्यूजिशियंस यूजुअली डू नॉट अंडरस्टैंड
कि नाटक में क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसी कमिटमेंट चाहिए होती है, रिहर्सल्स पे रेगुलरली आना क्यों जरूरी है उनके लिए. और फिर देन देयर इज मी एज अ वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिशियन. मुझे वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिशियंस और ढूंढने बड़ी दिक्कत होती है. एक तो कम होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं दे विल ऑब्वियसली चार्ज मोर देन वी कैन अफोर्ड, एंड द स्टूडेंट्स होते हैं दे विल ऑब्वियसली नॉट प्ले लाइक प्रोफेशनल्स. लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज म्यूजिकल थिएटर का ये है कि अगर आप एक्टिंग करते हो और अगर आप गाने में अच्छे नहीं हो तो भूल जाओ कि आपको ढंग का रोल मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर जो किसी के साथ नहीं होता है लोग होता है, बहुतों के साथ होता ही है ये चीज भी, ठीक है. और दूसरी चीज ये है कि ये गाने का जो काम है वो बहुत टाइम मांगता है. एक तो पहले ही खिलौना के नाटक जो है वो इवॉल्व किए जाते हैं, उसमें ही एक डेढ़ महीना हमको लग जाता है, और साथ में हम गाने भी करते हैं तो लगा लीजिए आप दो ढाई महीना तो आराम से गए हमारा. पर ये टाइम स्पेंड करना हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग अपने काम में क्वालिटी प्रेफर करते हैं. और यूजुअली जो एक्टर्स में हमको क्वालिटी चाहिए होती है, उनको रिदम का सेंस होना चाहिए, वो सुर में होने चाहिए, और उनका जो प्रोजेक्शन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए. क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि गाना आ रहा है तो उससे पहले आपने माइक उठा लिया और आप गाना शुरू हो गए, ये जगराता तो है नहीं जहाँ हमको माइक मिलेगा. हाँ, और ये जनरली जो म्यूजिकल करने के लिए आपको स्किल्स चाहिए होते हैं थोड़े से, वो तो है ही. साथ में मैं थोड़ा और टाइम इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद हैं, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि एक्टर्स को मैं हेड वॉइस सिखा पाऊँ. हेड वॉइस वेस्टर्न क्लासिकल की एक टेक्निक है जिससे आपकी आवाज़ और रिच होती है और आपको रेंज और बढ़ पाता है गाने का. तो जैसे अगर नॉर्मली लोग गाते हैं तो ऐसे गाते हैं कि वही मुझे बताएगा क्या, वही मुझे बताएगा क्या, दुनिया भर में लोग भला, दुनिया भर में लोग भला, काहे नाटक करते हैं, काहे नाटक करते हैं. तो दिस इज फाइन, दिस इज इन ट्यून एंड सुर में है, और पास में सामने कोई बैठा है गा रहा है तो अच्छा लगेगा. लेकिन 500 लोग बैठे हैं, माइक नहीं है आपके पास, एंड आपको सबको सुनाना है, स्टेज है, पूरा सेट है आपके आसपास, यू वांट अ रिच वॉइस, तो आई ट्राई टू टीच हेड वॉइस व्हिच साउंड्स लाइक दिस. कोई मुझे बताएगा क्या, कोई मुझे बताएगा क्या, दुनिया भर में लोग भला, दुनिया भर में लोग भला, काहे नाटक करते हैं, काहे नाटक करते हैं. एंड जैसा मैं रेंज का बता रहा था, जैसे इस गाने में आ गया, क्या मजा आता है इनको, दिस इज हाउ पीपल यूजुअली सिंग द न्यू कमर्स, ऐसा क्या मिलता है इनको, हेड वॉइस में इट विल साउंड अ लिटिल बेटर, क्या मजा आता है इनको, ऐसा क्या मिलता है इनको. वेरी गुड कशिश. अगर आप लोग म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, अगर आप कशिश से इम्प्रेस हो गए हैं तो आप इससे क्लासेस ले सकते हैं. ये गिटार भी सिखाता है और ये वोकल क्लास भी लेता है. और जब भी हम अपने दोस्तों को अपने प्ले की रिकॉर्डिंग दिखाते हैं तो वो लोग पहले देखते हैं और पूछते हैं कि ये क्या रिकॉर्डेड है क्या गाना सारा, तो हम कहते हैं जी नहीं लाइव गाया है. और उस टाइम जो मन को ठंडक पहुँचती है. तो ऐसे ही हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हम लोग म्यूजिकल मास्टरी अचीव कर सके, पर रास्ते में बहुत सारे म्यूजिकल मिसहैप्स भी हो जाते हैं, और हम वही आज आपके साथ शेयर करने वाले. तो हम लोग म्यूजिकल थिएटर क्यों करते हैं, यही सवाल है ना. यार चलने देते ना.